What does the quotation mean to you? Where there is politics or economics, there is no morality. जब भी आपको कोट दिया जाए और आपको पूछा जाए क्या मतलब बनता है इसका, तो आपको ये नहीं सोचना कि वो कोट किसने दिया है। डेफिनेटली अगर आपको पता हो तो वो एडेड एडवांटेज होगा, बट नॉट नेसेसरीली। कई बार जो कोट है उसकी मतलब आपसे जाननी होती है उनको, नॉट वॉट दी ऑथर ऑफ दैट कोट इज सेइंग। तो इसमें तो कोई ऑथर दिया नहीं है इस कोट का, बट डेफिनेटली आपको आपका ही जो उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है विद दैट कोट, वही आपको समझानी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज दिस कोटेशन मीन टू यू? वेयर देर इज पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, देर इज नो मॉरलिटी। यानी जहाँ पे भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है वहाँ पे मॉरलिटी हो ही नहीं सकती। अब इस कोट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे इसे अप्रोच किया जाए? सबसे पहले आप ब्रीफली ओवरव्यू दोगे उस कोट के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको पता हो कि किस ऑथर ने बोला है तो वो भी आप बता सकते हो। इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये कॉन्ट्रारी है टू मॉरलिटी, मॉरलिटी के खिलाफ जाते हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। यानी आपको ऐसे इंस्टेंसेस बताने हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये मॉरलिटी नहीं रख सकता साथ में, या मॉरलिटी के साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती। फिर आपको अल्टरनेट व्यू देना है कि कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये कंपैटिबल है विद मॉरलिटी, ये साथ में चल सकते हैं। और फिर फाइनली आप कंक्लूड करोगे अप्रोप्रिएटली। आप क्या कर सकते हो कंक्लूजन में? कुछ सोल्यूशन दे सकते हो कि किस तरह से मॉरलिटी को एंश्योर किया जा सकता है इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय सेइंग दैट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मॉरलिटी, ये यूजुअली अगर देखें नॉर्मली जनता में जो अंडरस्टैंडिंग है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ये मान्यता है लोगों में। ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे जनरली लोग मानते हैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है, और मॉरलिटी जो है वो एथिक्स, जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी एथिक्स सेट करती है हमारे लिए, तो ये सोशल एक कंसेप्ट हो जाता है। बट पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कई बार नॉर्मल लोगों में आप देखोगे ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट से ही मोटिवेटेड होता है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग। फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सक्लूसिविटी दिखाएंगे बिटवीन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एंड मॉरलिटी, यानी दोनों इस कंसेप्ट में मॉरलिटी कहाँ कहाँ आपको दिखाई नहीं देती, साथ में नहीं दिखाई देती, वो इंस्टेंसेस बताएंगे। जैसे जब भी आप बात करते हैं स्टेट चलाने की बात हो, इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात हो, किसी को गिराने की बात हो इलेक्शन में, ये सारी चीज़ों को माना जाता है ये तभी कर पाओगे अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड से बाहर आके कुछ काम कर पाते हो। यानी आप देखो कि कई सारे पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट करते हैं लोगों के इमोशंस को, क्या आप उसे एथिकल मानेंगे? नहीं, उसको एथिकल नहीं मानेंगे, मॉरल नहीं मानेंगे। तो ये एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते अगर आप मॉरली अगर आप काम करते हो। तो कैसे आप देखोगे पॉलिटिक्स जो है आज की डेट में कंप्लीटली इट्स ऑल अबाउट विनिंग, कि क्या मैं जीत पाता हूँ, साम दाम दंड भेद हर कुछ चीज करूंगा मैं टू गेट दैट पर्सन इलेक्टेड और टू हैव माई पार्टी इन पावर। उसमें आप देख सकते हो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यानी जो दूसरे पार्टी जो अभी पावर में है उनके विधायकों को खरीद लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो माल प्रैक्टिसेस दिखता है, करप्शन, वोटर ब्राइबरी दिखती है, मसल पावर, इवन डिवेसिव पॉलिटिक्स, यानी दो समुदाय के बीच में एक भेद निर्माण करना और उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, ये सारी चीज़ें की जाती है टू विन इलेक्शन। ऑल दिस आर कॉन्ट्ररी टू वॉट वैल्यूज, ऑनेस्टी, फेयरनेस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ों के खिलाफ जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या है? एथिकल चीज़ें हैं, मॉरल चीज़ें हैं, मॉरल वैल्यूज है। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखिए तो माना जाता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है इट मे कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। यानी आप अगर कोई चीज बेच रहे हो तो आप इतना उसका प्राइस कर दोगे, यानी आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करोगे सोसाइटी में कि बस मेरी ही कंपनी चलनी चाहिए। ये सारी जो प्रोसेसेस है ये प्रॉफिट को बढ़ाने की प्रोसेसेस है, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर, कॉस्ट कुड बी बोर्न बाय द कस्टमर और बाय योर कंपिटिटर, दोनों लोग भी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इट गोज अगेंस्ट दी अंडरस्टैंडिंग और द मॉरल वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड एम्पथी। तो क्लियरली हम देख सकते हैं दो इंस्टेंसेस जहाँ पे मॉरलिटी जो है उसको अंडरमाइन किया गया है। इकोनॉमिक्स में और एक चीज़ आप देखोगे, इसको ऑफन रिलेट किया जाता है विद क्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ फॉर सेल्फ। खुद ही का जो इनकम है या जो वेल्थ है, इनकम और वेल्थ में तो डिफरेंस है आपको पता ही होगा। इनकम यानी जो आपको की आय होती है जो हर महीने आपको आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, और वेल्थ जो है वो जो बेसिकली आपका घर है, आपके पास कितना सोना है, ये जो वेल्थ जो होता है वो कई बार टेंजिबल होता है, कई बार इनटेंजिबल होता है, बट वेल्थ जो है वो अक्रू होते जाता है, वो बढ़ते ही जाता है। तो ये जो है सेल्फ की वेल्थ बढ़ाना यही एक तरीके से मोटिव बन जाता है, ये बेसिकली परपेचुएट करता है इनइक्वालिटी इन ऑलरेडी अनइक्वल वर्ल्ड। पहले से ही वर्ल्ड बहुत अनइक्वल है और उसको और ज़्यादा
अनइक्वल बना सकता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे रिपोर्ट्स को भी नोट कोट कर सकते हो, जैसे इनइक्वालिटी रिपोर्ट, रिसेंट रिपोर्ट आई थी इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम से, उसमें बताया गया है कि कैसे 1% जो लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है कंपेयर टू 50% ऑफ द पुअर। सो यू कैन ऑल्सो कोट दिस डेटा इफ यू वॉन्ट टू। तो ये जो है सब्सटैंशिएट करेगा आपके आंसर को। इसके बाद जो है आप बता सकते हो सेकेंड पार्ट में कि कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये कंपैटिबल है विद मोरालिटी। अब हम उसको हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने खुद कंसिडर किया था एथिक्स एज पार्ट ऑफ और सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ही सब ब्रांच है एथिक्स, यानी आप देखोगे जो शुरुआती एथिक्स की स्टडी हुई थी उसमें एथिक्स को पॉलिटिक्स का ही पार्ट माना गया था। इवन एग्जाम्पल दे सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दे सकते हो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने खुद के पर्सनल व्हीकल को खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया था टू बाय पर्सनल व्हीकल। सो यू कैन सी ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही कुड गेट अ कार फॉर हिमसेल्फ, बट नो ही डिड नॉट टेक गवर्नमेंट कार, ही टुक कार ऑन हिज ओन मनी। तो ये आपको एथिक्स दिखाता है वाइल इन पॉलिटिक्स। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एथिक्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन करना है, तो जब हम वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वेलफेयर गवर्नमेंट है क्या? वेलफेयर गवर्नमेंट ऐसी चीज है जहां पे हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी प्रिंसिपल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया है उसको हम बेसिकली एंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जब अम्बेडकर बोलते हैं वी कैनॉट ओनली रिलाय ऑन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वी नीड टू हैव सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो वो किस चीज़ के बारे में बात करें? वो वेलफेयरिज्म के बारे में बात करें, और वेलफेयरिज्म जो है वो मॉरालिटी पे ही बेस्ड होता है कि आप देख पाओ कि लोग जो है अनजस्ट सोसाइटी है तो जस्टिस देने की कोशिश करो, अनइक्वल सोसाइटी तो इक्वलिटी स्थापित करने की कोशिश करो, और इन सारी चीज़ों को आपको कंपैशनेट सिंपथेटिक व्यू से ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल दे सकते हो ऑफ लॉ टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, दिस वॉज अ पॉलिटिकल मूव बट इट वॉज एन एथिकल मूव ऑल्सो। तो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करोगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हाईलाइट करती है, कि एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है इनको कंबाइन करना है आपके प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में टू बिल्ड बेटर सोसाइटी। इसके अलावा आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक्स में भी हम बात करते हैं जीरो सम गेम, यानी अगर मैं कुछ करता हूँ, अगर मेरा गेन होता है तो दूसरे का लॉस होगा, इसी को हम जीरो सम गेम कहते हैं। बट जीरो सम गेम नहीं है इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरे पाई को बढ़ाते हैं, यानी जो प्रॉफिट है या जो रिसोर्सेज है या वेल्थ है, सभी के वेल्थ को बढ़ाते हैं, नेशनल वेल्थ को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो वेल्थ जो है किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं जानी चाहिए, सभी के पास जानी चाहिए। तो हम जब पाई बढ़ाएंगे तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर पाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो जो है एथिकल वो माना जाएगा। जैसे सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट्स मोर जॉब फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक्सक्यूज मी, कंक्लूजन में मैंने जैसे बात की कि सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन रखेंगे एथिक्स जो है, हम कहेंगे कि एथिक्स अगर सस्टेन करना है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको राइट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने होंगे, सिटीजनरी को या सिटीजन्स को एनलाइटन करना पड़ेगा, राइट एजुकेशन देना पड़ेगा, टूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोथ पॉलिटिशियंस एज वेल एज जो हमारे इकोनॉमिक प्लेयर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप देखोगे इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, लाखों करोड़ों का करप्शन हो रहा है, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी दोनों की भी सेट करनी पड़ेगी। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है, बेटर रेगुलेशन जरूरी है ये, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ रिवॉर्डिंग ऑनेस्ट इन बोथ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप जो है एथिक्स को या मोरालिटी को बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में एंश्योर कर सकते हैं।